ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो एक और नया चैप्टर हम लेके आए हैं एम वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो है ही है चैप्टर एम वाले स्टूडेंट्स, सी एस एन नेट गेट और डी यू वी यू के लिए लेक्चर है। तो आप तो आपके लिए तो लेक्चर है ही एनालिटिकल का, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी यूट्यूब पे है। तो यूट्यूब वाले मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एक और नया लेक्चर सीरीज़ हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है। और ये मतलब समझ लीजिए कि आप लोगों की हाईली डिमांड जो थी कि सर एक और लेक्चर स्टार्ट करो, एक और लेक्चर सीरीज स्टार्ट करो, तो जैसे जैसे आपकी जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी, हम लेक्चर सीरीज को इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आपकी ये जो हमने एक नेक्स्ट लेक्चर सीरीज जो अनाउंस की है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। और ये टोटली जो है, देखिए हम टोटली अरेंज कर रहे चीज़ों को, इस लॉकडाउन में वैसे ही चीज़ें इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, तो बस समझ लीजिए कि आपके लिए जो हम जितना कर पा रहे हैं वो हम अपने तरफ से अपना बेस्ट कर रहे हैं। इससे भी ज़्यादा अभी लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर सीरीज है जो हमारी एनएमआर कोऑर्डिनेशन केमिकल बॉन्डिंग के साथ चलेगी, और फर्दर भी वेसर की लेक्चर सीरीज तो अलग चलेगी। अब क्वेश्चन काफ़ी सारे बच्चों के मन में उठ रहा होगा, सर कौन पढ़ाएगा, ठीक है। तो हम ओबियसली हमेशा कहते हैं कि एकेडमी में जितने भी फैकल्टी है सब एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये एक लेक्चर सीरीज है जो आपको पढ़ाएंगी एक डी यू एम एस सी से पास आउट आपकी एक बहुत ही अच्छी टीचर है सोनिया मैम, वो आपको ये पढ़ाएंगी एनालिटिकल केमिस्ट्री बड़े मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगी। उनके साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा, देखिए कि कैसे वो आपको मतलब एक तरीके से, देखो वैसे अभी जो वॉइस की बात है, अच्छा वॉइस लो आ रही है, ओके वॉइस इसलिए लो आ रही है, मेरे पास माइक नहीं है, माइक उनके पास है, ओके। तो मैं कहना चाह रहा था कि इतने सरकमस्टांसिस में जो आप हमें कह रहे हो, जितना रिक्वेस्ट कर रहे हो, हम उस हर रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे। और उनमें से एक रिक्वेस्ट थी एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो बहुत सारे BHU DU के बच्चों के लिए खासकर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि BHU DU के बच्चों के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैम में उतना नहीं आता है, पर BHU DU CSR नेट और गेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो उसी पर्पस से ये पूरा का पूरा कोर्स तैयार किया गया है, उसी पर्पस से मैम आपको पढ़ाएगी, चाहे वो DU वाला बच्चा हो, चाहे BHU वाला पर्पस बच्चा हो, क्योंकि BHU और DU में तो आपने कभी और पेपर भी देखा होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री के उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सिमिलरली इस नेट में भी क्वेश्चन आते हैं, गेट में भी क्वेश्चन आते हैं। तो सारा जितने भी आप बच्चे हो यहाँ पे, वो सब इस लेक्चर सीरीज का मज़ा उड़ाएं और मज़ा उठाएं और आराम से इसको एंजॉय करें। तो मैम आपको अभी पढ़ाने वाली है, तो मैं सोनिया मैम को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सोनिया मैम आपको पढ़ाएंगी एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो बने रहिएगा साथ और चीज़ों को देखते रहिएगा, ओके स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री से। सोनिया मैम आ जाइए प्लीज़, तो वो आपको पढ़ाएंगी और मज़े से साथ पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच। यूट्यूब पर इसको संभालिए और ये ऐप वाले बच्चे, ओके Hello everyone, welcome to our YouTube channel of Chem Academy. I'm Sonia and I'm going to start a new topic that is analytical chemistry. So, सबसे पहले कोई भी topic start करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो topic हम क्यों पढ़ रहे हैं या फिर उसका हमारे daily life में क्या use होता है। तो चलिए start करते हैं हमारे first lecture से। Analytical chemistry, सबसे पहले ये क्या होता है, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एनालिसिस। अब ये जो टर्म है एनालिसिस, इससे आप क्या समझते हैं? एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एनालाइज करना या फिर डिटेक्ट करना, दैट इज डिटेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट इन अ गिवन मिक्सचर। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस। अब ये जो एनालिसिस है, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। एक हमारी होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब इन वर्ड से आप क्या समझते हैं? क्वांटिटेटिव, टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट इन अ मिक्सचर। तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ? Like, आपके पास कोई मिक्सचर प्रेजेंट है और उसमें कुछ कॉम्पोनेंट्स होंगे, तो वो कॉम्पोनेंट्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं ये आप पता करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। सेकेंडली हम आते हैं क्वालिटेटिव पर। क्वालिटेटिव में क्या होता है? प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट इन अ मिक्सचर। इसका मतलब आपके पास अगर कोई मिक्सचर है तो कोई एक पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट आपको चेक करना है कि वो पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट उस मिक्सचर में प्रेजेंट है या नहीं। तो प्रेजेंस या एब्सेंस हम चेक करते हैं उस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट का किसी मिक्सचर में। अभी जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ये मेनली हम लैब्स में परफॉर्म करते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक में हम करते हैं सॉल्ट एनालिसिस या फिर हम कुछ फ्लेम टेस्ट करते हैं। तो इन फ्लेम टेस्ट में क्या होता है कि आपके पास कोई मिक्सचर है और उस मिक्सचर को आप फ्लेम में इंट्रोड्यूस करेंगे तो फ्लेम का कलर चेंज जाता है। तो वो जो कलर जो चेंज हुआ है फ्लेम का, वो इंडिकेट करेगा कि आपका कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट था। Like, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपने किसी मिक्सचर को फ्लेम में इंट्रोड्यूस किया
और उस फ्लेम का कलर अब चेंज हो गया रेड। तो ये रेड कलर ऑफ फ्लेम क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट करेगा कि हमारे मिक्सचर में स्ट्रॉन्शियम प्रेजेंट है, मतलब कि एक पर्टिकुलर किसी भी कंपोनेंट का एक पर्टिकुलर कोई फ्लेम कोई कलर शो करता है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो वाला कंपोनेंट हमारा मिक्सचर में प्रेजेंट है। और ये जो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव में हमारा आ जाता है एक वॉल्यूमेट्रिक और एक ग्रेविमेट्रिक। ओके, एक हमारा आता है वॉल्यूमेट्रिक तो क्वांटिटेटिव में हम क्या पता कर रहे थे? हम पता कर रहे थे कि अमाउंट ऑफ अ कंपोनेंट, मतलब कि जो भी मिक्सचर है उसमें हमारा जो सॉल्यूशन हम चाहते हैं उसका अमाउंट पता करना, उसकी कंसंट्रेशन पता करना। तो वॉल्यूमेट्रिक में सारी टाइट्रेशंस आ जाती हैं, तो टाइट्रेशन जब परफॉर्म करेंगे तो एट लास्ट हमें रिजल्ट मिल जाता है कि क्या कंसंट्रेशन थी एग्जैक्टली आखिर। तो ये जो दोनों टेक्निक्स होते हैं इससे हम अमाउंट पता कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक जो टेक्निक होती है ये कम टाइम टेकिंग होती है, लेकिन हमें थोड़े अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन ये जो ग्रेविमेट्रिक टेक्निक है थोड़ी सी टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन हमें इससे बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये बात हमने कर ली क्वांटिटेटिव की और क्वालिटेटिव की। तो बेसिकली ये एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारी क्या है, क्या स्टडी करते हैं हम इसमें? इट इज स्टडी ऑफ सेपरेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन या क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन। तो ये हो गया हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें मेनली पूरे एनालिटिकल टेक्निक्स में हमें कौन कौन सी टेक्निक्स हमें पढ़नी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से। तो सबसे पहले इस एनालिटिकल टेक्निक को हम डिवाइड कर रहे हैं दो कैटेगरीज में। एक आ जाएगी हमारी इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा हो जाएगा कन्वेंशनल। सबसे पहले ये जो इंस्ट्रूमेंटल है, इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि हम ये देख सकते हैं कि हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं एनालिटिकल टेक्निक्स में, हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला, अब इसमें फर्दर कैटेगरीज ये सारी आपको दिख रही है जो कि डिवाइडेड है। इंस्ट्रूमेंटल में सबसे पहला जो डिवाइड हो रहा है दैट इज़ सेपरेशन टेक्निक। अब सेपरेशन टेक्निक का मतलब क्या होता है? सेपरेशन का मतलब आपके पास कोई मिक्सचर प्रेजेंट है और आप उसके कॉम्पोनेंट्स जो प्रेजेंट होंगे उन कॉम्पोनेंट्स को उस मिक्सचर में से सेपरेट आउट करना। तो ये किस तरीके से करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, ये सब हम अभी जानेंगे धीरे धीरे। तो सेपरेशन टेक्निक के अंदर बेसिकली हमें पढ़ना है एक क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप की होती है, सारी क्रोमेटोग्राफी हम वन बाय वन करके देखेंगे। सेकेंडली हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो ये बात थी हमारी सेपरेशन टेक्निक की। अब हम आते हैं अपने इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक पर। अब इलेक्ट्रो एनालिटिकल के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहला हम पढ़ेंगे पोलारोग्राफी। पोलारोग्राफी में डिफरेंशियल पल्स पोलारोग्राफी, डीसी पोलारोग्राफी सब कुछ पढ़ेंगे हम। फिर वोल्टमेट्री और पोटेंशियोमेट्री, ये हमें कवर करने हैं इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स में। अब थर्ड जो हम आ रहे हैं दैट इज थर्मो एनालिटिकल टेक्निक। थर्मो, इसका मतलब क्या होता है कि समथिंग हीट से रिलेटेड है। इट मीन्स इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? एक हमारा आ जाएगा टीजीए। टीजीए क्या होता है? थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये क्या है, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, सब कुछ हम आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि हमें मेनली क्या क्या पढ़ना है। टीजीए हो गया, फिर डीटीए, दिस इज डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, और डीएससी डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। ये हमारे तीनों आ जाते हैं थर्मो एनालिटिकल टेक्निक में। आगे बढ़ते हैं हम, अगला हमारा जो इसमें कैटेगराइज हुआ है दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। अब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, ये आप पहले जूनियर क्लासेस में आपने काफ़ी पढ़ी होंगी, बट यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है मेनली, ये है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और हाँ, इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में आपको एक लॉ याद रखना है दैट इज बीयर लैम्बर्ट लॉ। अब ये जो लॉ है इसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसे हम अच्छे से कवर करेंगे। न्यूमेरिकल्स काफ़ी बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक के बाद कुछ अदर टेक्निक्स आती हैं। इस अदर टेक्निक्स में क्या क्या आता है? एक आता है हमारा एक्सरे, दूसरा है सैम। सैम क्या होता है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। फिर आता है टैम, दिस इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और ये मास। अब ये जो अदर टेक्निक्स हैं ये मेनली हमारे इतने एग्जाम्स में इतनी नहीं पूछी जाती, इसलिए हमारा मेन फोकस जो होगा वो होगा इन सब पर।
तो ये बात हमने पूरी कर ली कि इंस्ट्रूमेंटल के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। अब जानते हैं कि हम कन्वेंशनल में क्या क्या पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टू कन्वेंशनल टेक्निक्स। कन्वेंशनल, इसको हमने फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला हो गया वॉल्यूमेट्रिक और दूसरा है ग्रेविमेट्रिक। अब ये जो वॉल्यूमेट्रिक है, इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड है कुछ, तो इट मीन्स इसमें सारी टाइट्रेशंस आ जाती हैं। अब कौन कौन सी टाइट्रेशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये देखिए। टाइट्रेशंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम एसिड बेस, फिर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और पढ़ेंगे रेडॉक्स। अभी जो एसिड बेस टाइट्रेशन है, इसमें हम मेनली देखने वाले हैं एक पीएच मेट्रिक और एक पढ़ेंगे हम कंडक्टोमेट्रिक। कंडक्टोमेट्रिक ठीक है। फिर जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस आ जाती हैं, इसमें हम मेनली क्या देखेंगे कि जो हम EDTA यूज़ कर रहे हैं उसका क्या रोल है, या फिर जो हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं उसका क्या रोल है, ये चीज़ें देखेंगे हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस में। तो ये हमने कर लिया कवर अप पूरा अपना वॉल्यूमेट्रिक को। अब देखते हैं ग्रेविमेट्रिक पे पहुँचते हैं। अभी जो ग्रेविमेट्रिक है, ग्रेविमेट्रिक में हम मेनली पढ़ेंगे ग्रेविमेट्रिक फैक्टर को। ये हमारी बात होगी पूरी, क्या इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कन्वेंशनल टेक्निक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो पूरा जो मैंने अभी तक आपको बताया वो एक सिर्फ ओवरव्यू था बेसिकली कि आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जो, उनको हम बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हमें, लेकिन सारे सब टॉपिक्स को टचअप करना है ताकि आप अपने एग्जाम में इन क्वेश्चंस को ईजिली कर पाएँ, क्योंकि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो आप इसको बहुत ईजिली कर पाएंगे अगर आपने एक बार इसको अच्छे से पढ़ लिया तो। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने पहले टेक्निक से। पहला टेक्निक हमारा क्या है, दैट इज सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई मिक्सचर है उन कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना, ओके। तो पहले सेपरेशन टेक्निक में सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज क्रोमेटोग्राफी। अभी जो क्रोमेटोग्राफी वर्ड है इसमें देखिए आप एक ये वर्ड आ रहा है दैट इज क्रोमा। क्रोमा का मतलब क्या होता है, क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो स्टार्टिंग में जब क्रोमेटोग्राफी पे स्टडी हो रही थी तो हमें मतलब क्या पता लगा था कि सिर्फ जो कलर्ड सब्सटेंसेस हैं सिर्फ हम उनको ही सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब स्टडी बढ़ती गई इस पे मॉडिफिकेशन आते गए तो हमें पता लगा कि ना कि सिर्फ कलर्ड सब्सटेंसेस लेकिन जो कलरलेस सब्सटेंसेस हैं इवन हम उन्हें भी सेपरेट आउट कर सकते हैं, ओके। तो बेसिकली हमारी क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में टू और मोर कंपोनेंट्स, कितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट आउट करना, ये हमारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक हो गई। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में। तो चलिए जानते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहला इम्पोर्टेंस जो हम देख रहे हैं दैट इज इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई कॉम्पोनेंट्स इन अ मिक्सचर। मतलब किसी भी मिक्सचर में कॉम्पोनेंट्स जो प्रेजेंट हैं उसमें उनको आइडेंटिफाई करना। लाइक आपके पास अगर इंक है तो उसके कॉम्पोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, ठीक है। सेकेंडली हम देखते हैं सेकेंड इम्पोर्टेंस क्या है, ड्रग्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन ब्लड सैंपल बाय क्रोमेटोग्राफी। चलिए इसका हम अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं वो जब स्मोक करते हैं तो क्या होता है कि अ लिटिल अमाउंट ऑफ निकोटिन गोज इनटू देयर ब्लड, और ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ निकोटिन है इट कैन बी डिटेक्टेड बाय क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। तो काफ़ी ये यूज़फुल है हमारे डेली लाइफ से, इस वजह से हम इसे यूज़ करते हैं। अदर एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं कि मेनली क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो होती हैं वो फूड इंडस्ट्रीज़ में या फिर फार्मा इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं। फूड इंडस्ट्रीज़ में क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो कंटामिनेंट्स हैं उनका प्रेजेंस हम चेक कर सकें, प्रेजेंस ऑफ कंटामिनेंट चेक कर सकें। कंटामिनेंट का मतलब आप क्या समझते हैं, कंटामिनेंट इज़ कोई भी पॉल्यूटिंग सब्सटेंस, पॉल्यूटिंग या फिर पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है। तो ये सारे एक यूजर्स हो गए मेनली कि क्या इंपॉर्टेंस होता है क्रोमेटोग्राफी का, हम क्यों पढ़ते हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अभी जो क्रोमेटोग्राफी है कितने टाइप्स की होती है, तो जितने भी टाइप की क्रोमेटोग्राफी हम पढ़ेंगे
वो किसी बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं पहले, ठीक। तो सबसे पहला बेसिस जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑन बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन या प्रिंसिपल। इसका मतलब कि प्रिंसिपल के बेसिस पे आप किस तरीके से क्रोमेटोग्राफी को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आप इसमें देखेंगे दैट इज एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में मेनली हम पढ़ेंगे एसपीएलसी। अब जितने भी क्रोमेटोग्राफी है उसको आप एक एक करके हम अभी पढ़ेंगे, तो आप घबराइएगा मत, बिल्कुल सब कुछ देखेंगे, सारी क्रोमेटोग्राफी एक एक करके बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड हम जो पढ़ना है दैट इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन में हमारा आ जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके, नेक्स्ट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, और जिसके अंदर लास्ट हमारा आता है दैट इज साइज एक्सक्लूजन, या फिर हम इसे कहते हैं तो इसमें लास्ट हमारा आ जाता है साइज एक्सक्लूजन। साइज एक्सक्लूजन को हम या तो जेल परमिएशन या जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा है साइज एक्सक्लूजन, मतलब कुछ साइज से रिलेटेड है ये। इट इज़ बेस्ड ऑन साइज। तो मेनली हम इसमें कौन से सिस्टम का स्टडी करते हैं, कोई भी जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं उन्हें स्टडी करते हैं हम साइज एक्सक्लूजन या फिर जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी में। तो ये हमारा फर्स्ट बेसिस था कि प्रिंसिपल के बेसिस पे हम क्रोमेटोग्राफी को किस तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं। चलिए जानते हैं सेकेंड बेसिस क्या है। अब अगला बेसिस जो है हमारा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेस। अब ये मोबाइल फेस क्या होता है? मोबाइल फेस का मतलब है कोई मूविंग फेस, जो फेस जो कि मूव कर रहा हो, दैट इज मोबाइल फेस। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मोबाइल फेस होता है, मोबाइल फेस कैन बी लिक्विड, लिक्विड इजली मूव कर सकता है, या फिर गैस। तो जो हमारा मोबाइल फेस होगा, मोबाइल फेस जो है वो लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा सॉलिड नहीं हो सकता कभी। ये तो बात हमने कर ली इस मोबाइल फेस की। अब एक देखते हैं हम स्टेशनरी फेस के बारे में। अभी जो स्टेशनरी फेस होता है, स्टेशनरी फेस मतलब क्या हुआ, जो हमारा स्टैटिक फेस है, मतलब जो रेस्ट पे है, जो कि मूव नहीं कर रहा, दैट इज अ स्टेशनरी फेस। और जो हमारा स्टेशनरी फेस होता है इट कैन बी या तो ये हो सकता है हमारा सॉलिड या फिर लिक्विड, ठीक है, बट इट कैन नॉट बी गैस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मोबाइल फेस कैन बी लिक्विड और गैस, एंड स्टेशनरी फेस कैन बी सॉलिड और लिक्विड। तो ये हमने जान लिया स्टेशनरी फेस क्या होता है, मोबाइल फेस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि मोबाइल फेस के बेसिस पे हम कैसे क्रोमेटोग्राफी को कैटेगराइज कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा मोबाइल फेस जो है वो अगर लिक्विड हुआ तो उसमें कौन कौन सी क्रोमेटोग्राफी आ जाएगी। पहला हमारा आ जाएगा नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी, फिर रिवर्स फेस, फिर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक और आयन एक्सचेंज। ये सारी क्रोमेटोग्राफी हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये तो बात होगी जब हमारा मोबाइल फेस जो है जब लिक्विड होता है तो ये सारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इसके अंडर आती हैं। लेकिन अगर आपका मोबाइल फेस गैस है तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, दैट इज गैस क्रोमेटोग्राफी। मैंने आपको बताया था कि मोबाइल फेस जो है वो लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी सॉलिड। तो हमने पढ़ ली कि अगर लिक्विड हुआ तो कौन कौन से क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स आती हैं, गैस हुआ तो कौन सी आती हैं, थर्ड हुआ कि अगर हमारा जो मोबाइल फेस है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है। अब ये क्या होता है इसको हम बाद में डिटेल में जानेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि CO2 हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एज मोबाइल फेस। तो ये हमारा सेकेंड बेसिस था जो कि मोबाइल फेस के बेसिस पे हमने क्रोमेटोग्राफी को डिवाइड किया। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब जो थर्ड है, थर्ड क्या है, ऑन बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड, मतलब क्रोमेटोग्राफिक बेड के शेप के हिसाब से कैसे हम क्रोमेटोग्राफी को डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर प्लेनर हुआ, प्लेनर का मतलब क्या हुआ, प्लेनर से आप क्या समझते हैं कि जो हमारा स्टेशनरी फेस होगा ना, स्टेशनरी फेस एक प्लेनर सरफेस पर होगा।
तो ऐसा जब होगा तो ये मेनली इसमें हम क्या क्या आ जाता है, एक TLC आ जाता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और दूसरा है हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये तो बात हो गई जब हमारा क्रोमेटोग्राफिक बेड जो है वो प्लेनर है, लेकिन अगर वो कॉलम शेप में हुआ तो कॉलम में हमें क्या क्या पढ़ना है, दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब इसके अंदर भी ये दो हो जाते हैं, दो डिवाइड हो जाते हैं। अगर पैक्ड हुआ तो पैक्ड में हमारा आ जाएगा एक आयन एक्सचेंज और एक HPLC, और अगर ट्यूब्यूलर फॉर्म हुआ तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ये हमने देख लिया कौन कौन से टाइप्स की होती हैं क्रोमेटोग्राफी की, किस किस बेसिस पे हम उसे डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विद द फर्स्ट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहली क्रोमेटोग्राफी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज थिन लेयर। थिन लेयर इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा एडसॉर्बेंट होगा उसका जो लेयर होगा वो काफ़ी थिन होगा, तो वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, वो होता है हमारा अप्रोक्स 0.2 mm, जो कि एक स्टैंडर्ड पार्टिकल साइज के रेंज का ही होता है। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है इसमें हम क्या करते हैं, TLC सेपरेट्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑन बेसिस ऑफ पोलैरिटी। अभी जो पोलैरिटी है, अभी हम ये देखेंगे कि किस मतलब पोलैरिटी की क्या क्या बेसिस है आगे पोलैरिटी का, कि किस बेसिस पे जो है कॉम्पोनेंट सेपरेट आउट हो रहे हैं, पोलैरिटी का क्या रोल है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो भी हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान होनी चाहिए हमेशा कि उस पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में आप स्टेशनरी फेस कौन सा ले रहे हैं और जो मोबाइल फेस है वो कौन सा ले रहे हैं। तो यहाँ प्रेजेंटली हम TLC की बात कर रहे हैं, तो TLC में जो स्टेशनरी फेस यूज़ होता है दैट इज सिलिका जेल, और जो हम मोबाइल फेस यूज़ करते हैं वो होता है हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूशन। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी कि हमारे फेजेस की और TLC कैसे क्या करता है, कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करता है। अब ये आप देख रहे हैं ये TLC प्लेट है। अभी जो TLC प्लेट होती है ना, इट कैन बी मतलब ये हमें लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं, लैब में भी इस TLC प्लेट को हम बना सकते हैं, या फिर ये रेडीमेड भी मार्केट में मिलती है। तो लैब में बेसिकली हम कैसे प्रिपेयर करते हैं TLC प्लेट को, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक ग्लास स्लाइड लेते हैं, ग्लास स्लाइड ली उसके बाद सिलिका जेल की लेयर हम उस ग्लास स्लाइड के ऊपर अप्लाई करते हैं। इस तरीके से हम अपने लैब में TLC प्लेट को रेडी करेंगे। लेकिन जो रेडीमेड हमें जो TLC प्लेट्स मिलती हैं उसका एडवांटेज क्या होता है, उसका एडवांटेज ये है कि जो सिलिका जेल की जो लेयर है वो यूनिफॉर्म थिकनेस की होती है, और इसकी वजह से हमें बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। इस वजह से हम मेनली जो है रेडीमेड ही TLC प्लेट्स यूज़ करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो चलिए अब पहले स्टार्ट करते हैं पूरा प्रोसीजर कि किस तरीके से हम TLC को परफॉर्म करते हैं लैब में। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, ये हमने एक TLC प्लेट ली, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि कम से कम 1 cm का स्पेस छोड़कर हम पेंसिल से यहाँ पे एक लाइन मार्क कर लेंगे। इस लाइन को हम कहते हैं बेस लाइन। बेस लाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी सैंपल सॉल्यूशन है जो आपको एनालाइज करना है, जिसके कंपोनेंट्स को आपको सेपरेट आउट करना है, उस सैंपल सॉल्यूशन को हम इस बेस लाइन पर स्पॉटिंग करेंगे उसकी, मतलब उस सैंपल सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमने ये आपको ये स्पॉट ये दिख रहा होगा, इसमें हमने यहाँ पे सैंपल सॉल्यूशन जो भी हमें एनालाइज करना है उसकी स्पॉटिंग यहाँ पे कर दी, ठीक। अब क्या होगा कि एक हमने एक बीकर लिया हुआ है और उस बीकर में ऑलरेडी सॉल्वेंट सॉल्यूशन प्रेजेंट है, जो कि हमारा क्या है, मोबाइल फेस, उस बीकर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, इस TLC प्लेट को उस बीकर में डिप कर देंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जब आप TLC प्लेट को इस सॉल्वेंट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रहनी है क्या, कि ये जो बेस लाइन है हमारी, ये बेस लाइन सॉल्वेंट सॉल्यूशन में डिप नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये जो हमारी बेस लाइन है ये अगर डिप हो गई तो जिस जो सैंपल सॉल्यूशन था हमारा जिसकी हमने यहाँ पे स्पॉटिंग करी थी वो क्या होगा, वो इसमें डिजोल्व होने लग जाएगा, वो हमारे सॉल्वेंट सॉल्यूशन में डिजोल्व होने लग जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि फिर हमारा एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाएगा, हमारे कॉम्पोनेंट्स जो है वो सेपरेट आउट ही नहीं हो पाएंगे। इस वजह से इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो हमारा बेस लाइन है वो हमारे सॉल्वेंट सॉल्यूशन से थोड़ा ऊपर होना चाहिए,
डिप नहीं करना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने इसे डिप कर दिया, ठीक। उसके बाद इसको हम अनडिस्टर्ब थोड़ी देर छोड़ देते हैं ऐसे। फिर कुछ देर बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो हमारा हमने सैम्पल सॉल्यूशन जिसकी स्पॉटिंग की थी, हमें इसके बाद भी कुछ स्पॉट्स नज़र आने लग जाते हैं। तो अब ये स्पॉट्स कैसे नज़र आने लगे, ये होता है मेनली ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब हम क्या करेंगे, इस टीएलसी प्लेट को क्या करेंगे, अब इस बीकर से बाहर निकाल देंगे। और जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो ये जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट जैसे ही हम इस पर, हाँ, ये जो कॉम्पोनेंट जो सेपरेट आउट हो रहे हैं, जो आपको अलग अलग स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, वो क्यों नज़र आते हैं, इसका रीज़न होता है कि जो सॉल्वेंट है वो राइज करने लग जाता है टीएलसी प्लेट पर वाया कैपिलरी रिएक्शन। अब ये कैपिलरी रिएक्शन क्या होता है, ये कुछ नहीं है, ये एक सिर्फ एबिलिटी होती है किसी भी फ्लूइड की कि वो फ्लो कर सके ईजिली विदाउट असिस्टेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स लाइक ग्रेविटी, ओके। तो सॉल्वेंट जो है वो हमारा राइज करने लगेगा टीएलसी प्लेट में, और इस वजह से जो हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं वो ऐसे सेपरेट आउट होने लग जाते हैं और हमें अलग अलग स्पॉट्स नजर आने लग जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टीएलसी प्लेट को हमने बाहर निकाल दिया, और एक जो सॉल्वेंट है इसकी हमारी एक यहाँ पे लाइन मिल जाएगी, इसको हम पेंसिल से मार कर लेंगे उस टाइम, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो डिसअपीयर होने लग जाती है। तो हमने यहाँ पे ये सॉल्वेंट जो है वो उसने कितना राइज किया है, ये लाइन यहाँ पे वो शो करती है, ठीक है। अब हमने देखा था कि हम स्टेशनरी फेज जो है वो क्या ले रहे हैं, स्टेशनरी फेज था हमारा सिलिका जेल, और सिलिका जो होता है वो होता है पोलर, ठीक है। तो सिलिका हमारा जो है वो पोलर है, इस वजह से जो ये हमारा सैम्पल सॉल्यूशन है इसमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो इसमें से जो वो कंपोनेंट जो कि हाईली पोलर हैं, तो वो भी पोलर, कंपोनेंट भी पोलर और हमारा सिलिका भी पोलर, तो इनके सेम नेचर की वजह से क्या होगा कि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं ट्रेवल कर पाएंगे। तो जो भी हमें स्पॉट जो मिलता है, जो कि कम डिस्टेंस पे मिलता है बेस लाइन से, वो हमारा मोर पोलर होता है, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाया है। और अगर मान लीजिए कि जो ये सैम्पल सॉल्यूशन था उसमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं वो लेस पोलर हैं, लेस पोलर है और हमारा सिलिका पोलर होता है, तो इनके अपोजिट नेचर की वजह से अब क्या होगा कि मूवमेंट जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। इस वजह से जो हमारा लेस पोलर कंपोनेंट होता है वो ज़्यादा ट्रेवल कर लेता है, तो जो हमें हाई डिस्टेंस पे, ग्रेटर डिस्टेंस पे जो हमें कंपोनेंट मिलता है इस बेस लाइन से, वो हमारा लेस पोलर ही होगा। तो ये हमने पता कर लिया कि बेसिस ऑफ पोलैरिटी किस तरीके से कंपोनेंट सेपरेट आउट होते हैं। अब हम देखते हैं अब इसके बाद क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अब कंपोनेंट तो सेपरेट आउट हो गए, लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा कंपोनेंट था, ठीक है। तो ये हम मेनली किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, एक आरएफ वैल्यू हम निकालते हैं, आरएफ फैक्टर, वो क्या होता है, रिटार्डेशन फैक्टर, या फिर हम इसे रिटेंशन फैक्टर भी कहते हैं। तो बेसिकली रिटेंशन फैक्टर क्या है, ये रिलेटिव एड्सॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को बताता है, मतलब कि मिक्सचर के हर एक कंपोनेंट ने कितना एड्सॉर्प्शन किया ये बताता है। अब इसको हम न्यूमेरिकली मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला है आरएफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट ए। लेट सी, हमारे पास ये टीएलसी प्लेट है, अभी तक आपको कोई डाउट्स तो नहीं हुए इसमें, पोलैरिटी दोबारा, ओके, आपको पोलैरिटी फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मैंने ये बताया था कि जो हमारा स्टेशनरी फेस होता है, स्टेशनरी फेस हमने यहाँ पे लिया है सिलिका जेल, सिलिका हमारा पोलर होता है, ठीक है। अब जो हमने सैम्पल सॉल्यूशन जो अप्लाई किया था स्टार्टिंग में, जो कि हमें एनालाइज करना है, तो इसमें हमें जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो कि लेस पोलर होंगे, कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो कि मोर पोलर होंगे, तो क्या होगा, जो कंपोनेंट ज़्यादा पोलर हैं, जो कंपोनेंट मोर पोलर हैं, और सिलिका हमारा पोलर था, ठीक है, तो दोनों हाईली पोलर होने की वजह से इनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसकी वजह से जो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेम नेचर है अब दोनों का,
तो इसलिए हमें जो कम डिस्टेंस पे जो मिलता है वो हमेशा हाईली पोलर कंपोनेंट ही होता है। और मान लीजिए जो कंपोनेंट जो कि लेस पोलर हैं, और सिलिका हमारा पोलर था, तो इनके अपोजिट नेचर की वजह से अब वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे, और इसलिए जो हमें कंपोनेंट ग्रेटर डिस्टेंस पे मिलता है वो हमारा होता है लेस पोलर। आई थिंक यू गॉट इट नाउ। हाँ, रिटार्डेशन फैक्टर और रिटेंशन फैक्टर सेम होता है। काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, यू शुड स्टडी इट वेल। ओके, नेक्स्ट। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि आरएफ वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास एक टीएलसी प्लेट है, और यहाँ पे हमारी एक बेस लाइन है, और यहाँ पे हमने अपना जो सैम्पल सॉल्यूशन जो कि हमने एनालाइज करना था उसे हमने यहाँ पे उसके स्पॉटिंग कर रखी है, ठीक। और कुछ देर बाद हमें इसके कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे सेपरेट ऑन होने लग गए, ये हमें कुछ स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारा जो है सॉल्यूशन जो है जिसने जितना ट्रेवल किया एक वो लाइन दिख रही है, ठीक है। तो मान लीजिए ये कॉम्पोनेंट ए है, ये कॉम्पोनेंट बी है। आर एफ वैल्यू अगर हम मान लीजिए अभी ए की निकाल रहे हैं, ए वाले कॉम्पोनेंट की, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कॉम्पोनेंट ए, मतलब ए कॉम्पोनेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्रॉम दिस बेस लाइन। तो ए कॉम्पोनेंट ये था, मतलब ये डिस्टेंस पूरा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्रॉम दिस बेस लाइन। सॉल्यूशन की लाइन ये थी हमारी, ठीक है। इसको कोई भी एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ये 0.2 है, ये है हमारा 0.2 सेंटीमीटर, इतना राइज किया, और ये है हमारा 0.4। तो अगर हम आर एफ वैल्यूज के कैलकुलेट करेंगे तो कंपोनेंट ए ने कितना किया ट्रैवल 0.2, और सॉल्यूशन ने किया है 0.4, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया 0.5 आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, ये जो आर एफ वैल्यू होती है ये हमेशा रेंज करती है बिटवीन 0 एंड 1, मतलब ये 0 से ना तो कम हो सकती है और ना ही 1 से ज़्यादा, हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 0.5 आ रही है, 0.5 से अगर मान लीजिए ज़्यादा आती है, 0.5 to 1 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कॉम्पोनेंट है उसने ज़्यादा ट्रेवल किया है, या फिर अगर 0.5 से कम आती है तो उससे हम क्या पता करेंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ने ज़्यादा ट्रैवल किया है। अब हमारी आरएफ वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हर एक कंपोनेंट का एक पर्टिकुलर आरएफ वैल्यू होती है, फिर हम क्या करेंगे अपने इस ये जो हमने एक्सपेरिमेंटल ये जो निकाला है इसको इस रेफरेंस लिस्ट से मैच करते हैं, फिर हम पता कर लेते हैं कि हमारा कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट था। तो इस तरीके से हम अपने कंपोनेंट्स को पता कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये मेथड हो गया हमारा टीएलसी का पूरा। अब कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में जो आपने सैम्पल सॉल्यूशन लिया था वो कलर्ड होता, ठीक। अगर वो कलर्ड है तो आप उसको इजीली विजुलाइज कर सकते हैं, उसके स्पॉट्स जो भी आएंगे वो आपको इजीली नेकेड आई से दिख जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने जो अपना सैम्पल सॉल्यूशन लिया है जो कि एनालाइज करना है आपको, वो कलरलेस है, अब उसके कलरलेस होने की वजह से आपको जो स्पॉट्स है वो विजुलाइज नहीं होंगे। इसलिए आप क्या करते हैं कि हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, और वो टेक्निक्स क्या हैं कि हम या तो उसे यूवी लाइट के अंडर देखते हैं, जब हम यूवी लाइट के अंडर देखेंगे तो अब हमें स्पॉट्स नज़र आ जाएंगे, या फिर मान लीजिए कि आपका सैम्पल सॉल्यूशन जो था वो कोई अमीनो एसिड था, तो हम क्या करेंगे निनहाइड्रिन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और उससे फिर हमें आराम से उसके सारे स्पॉट्स नज़र आने लग जाते हैं, विजुलाइज होने लग जाते हैं। तो ये तो कुछ मेथड्स हो गए कि किस तरीके से कलरलेस सब्सटेंसेस जो होते हैं उन्हें हम विजुलाइज कर सकते हैं, उनके कंपोनेंट्स को देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए आपने पूरा प्रोसीजर जो है इस तरीके से फॉलो किया, पूरा एक्सपेरिमेंट अच्छे से किया, और लास्ट में आपको स्पॉट्स मिलने थे लेकिन आपको स्पॉट्स दिख ही नहीं रहे, आपको स्पॉट्स मिले ही नहीं, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये
कि आपने जो स्टार्टिंग में सैंपल सॉल्यूशन जो जिसकी स्पॉटिंग की थी, जो आपको एनालाइज करना था, वो बहुत उसकी कंसंट्रेशन आपने बहुत कम ली है। आपने उसकी कंसंट्रेशन इतनी कम कर दी कि आपको स्पॉट्स मिले ही नहीं, ठीक है। अदर दूसरा आप क्या हो सकता है कि आपको स्पॉट्स मिलने थे और आपको स्पॉट्स ना मिलकर आपको पूरी स्ट्रीक्स मिल रही हैं। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि आपने जो सैंपल सॉल्यूशन जो लिया उसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कर दिया। अब इतना ज़्यादा कर दिया कि आपको स्पॉट्स ना मिलकर पूरी स्ट्रीक्स मिल रही हैं। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप हमेशा सैंपल सॉल्यूशन एक परफेक्ट कंसंट्रेशन में ही अप्लाई करेंगे ताकि आपको प्रॉपरली वहाँ पे स्पॉट्स मिल जाएं। अच्छा, जब मैंने आपको ये TLC स्टार्ट करी थी, मैंने एक बात कही थी आपसे कि ये जो हम बेसलाइन बनाते हैं ये पेंसिल से बनाते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि सिर्फ पेंसिल ही क्यों यूज़ करते हैं, व्हाई नॉट पेन। इसका रीज़न ये होता है कि अगर हम यहाँ पे पेन यूज़ किया तो पेन जो है उसका इंक जो भी होगा वो इंक जो है स्प्रेड आउट होने लग जाता है हमारे सिलिका जेल पर, और स्प्रेड आउट होने की वजह से हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, हमारे कंपोनेंट्स सेपरेट आउट ही नहीं हो पाएंगे। इस वजह से हम हमेशा पेंसिल ही यूज़ करते हैं, पेन नहीं यूज़ करते। तो ये बात पूरी हो गई हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो लेट मी सी वंस। स्पॉटिंग क्यों करते हैं? स्पॉटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आपको एनालाइज करना है वो सैंपल सॉल्यूशन। सैंपल सॉल्यूशन एनालाइज करने के लिए आपको वो सैंपल सॉल्यूशन जो है वो बेसलाइन पे आप उसको अप्लाई तो करेंगे ना, दैट इज स्पॉटिंग। सॉल्यूशन कम ट्रेवल करेगा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सॉल्वेंट सॉल्यूशन हमारा मोबाइल फेस है, मोबाइल फेस जो भी हम ले रहे हैं सॉल्वेंट सॉल्यूशन, दैट इज। सिलिका जेल जो होता है वो उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, TLC प्लेट के ऊपर सिलिका जेल को हम अप्लाई करते हैं, ठीक। वो रेडीमेड प्रिपेयर्ड होता है ऑलरेडी, पेंसिल से आप उस पर ईजिली मार्क कर सकते हैं, इट विल बी विजिबल। हेलो, हाँ ओके ओके ठीक है। तो ये पूरी बात होगी हमारे TLC की। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, लेट्स सी आपने कितना सीखा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, साइज ऑफ अ थिन लेयर ऑफ एडसॉर्बेंट इज अबाउट, मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाया है, सब बच्चे आंसर करिए इसका। आंसर्स आने लग गए हैं, यस। रिटेंशन फैक्टर, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है। आंसर्स बताइए प्लीज। बिल्कुल सही, सही आंसर कर रहे हैं आप, बिल्कुल बी। एक स्टैंडर्ड पार्टिकल साइज जो होता है उसके रेंज का ही होता है, दैट इज 0.2 mm। वेरी गुड, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रोमा प्लेट और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट इज मेड अप ऑफ ग्लास, फाइबर, वुड या मेटल। चलिए आंसर करिए इसका। आंसर्स आने लग गए हैं।
जल्दी आंसर करिए सेकंड क्वेश्चन का। हाँ बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप, ग्लास, बिल्कुल सही है। तो जो हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट जो होती है वो ग्लास की बनी होती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हम एक ग्लास स्लाइड लेते हैं और उसके ऊपर सिलिका जेल के लेयर को अप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। तो पहला स्टेटमेंट है द स्पॉट्स ऑफ कलरलेस कॉम्पाउंड्स आर इनविजिबल टू आइज। बताइए ये स्टेटमेंट राइट है या नहीं, इज इट ट्रू और फॉल्स, टेल मी। द स्पॉट्स ऑफ कलरलेस कंपाउंड्स आर इनविजिबल टू आईज, इज इट ट्रू और फॉल्स। यस एवरीबडी इज राइट, एवरीबडी इज गिविंग आंसर ट्रू। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। जो कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं ऑब्वियसली बात है उसके मतलब वो हमें कंपाउंड कॉम्पोनेंट्स होंगे वो विजिबल नहीं होंगे, बिल्कुल सही है ये। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, दीज स्पॉट्स कैन बी डिटेक्टेड बाय प्लेसिंग द प्लेट इन अ कवर्ड जार कंटेनिंग आयोडीन क्रिस्टल्स। इस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, बताइए क्या लगता है आपको, ये सही है या गलत। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है कि बी इनकरेक्ट है, कुछ कह रहे हैं कि करेक्ट है। चलिए जानते हैं। अभी जो स्टेटमेंट है हमारा कि जो स्पॉट्स होते हैं जो कि हमें विजिबल नहीं होते है ना, तो वो डिटेक्ट हम कर सकते हैं या नहीं बाय प्लेसिंग प्लेट इन कवर्ड जार कंटेनिंग आयोडीन क्रिस्टल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो कंपाउंड जिनमें सी डबल बॉन्ड सी आता है, इन कंपाउंड्स को हम मेनली देख सकते हैं बाय यूजिंग दिस आयोडीन क्रिस्टल्स। अगर इस पे हम प्लेस करते हैं तो ये स्पॉट्स हमें विजिबल हो जाते हैं। ओके तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था हमारा। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, दीज स्पॉट्स कैन बी डिटेक्टेड बाय पुटिंग द प्लेट अंडर यूवी लाइट। इज दिस स्टेटमेंट राइट, यस बिल्कुल सही है आप लोग, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर स्पॉट्स हमारे विजिबल नहीं होते हैं तो हम उन्हें यूवी लाइट के अंडर देखेंगे तो स्पॉट्स विजुअलाइज हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे ये तीनों स्टेटमेंट्स राइट हैं, तो रॉन्ग हमारा स्टेटमेंट हुआ ये वाला, तो हमारा आंसर है डी। चलिए ये हमने बात कर ली पूरी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को, आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गई, आपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी सही दिए। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से, दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये क्या होती है, इट इज़ अ टेक्निक फॉर आइसोलेशन ऑफ अ सिंगल कॉम्पोनेंट फ्रॉम मिक्सचर विद द यूज ऑफ कॉलम। मतलब कॉलम यूज करके आप किस तरीके से किसी भी मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं या आइसोलेट कर सकते हैं। अभी जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड है ये हम मैनुअल भी परफॉर्म कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक सिस्टम भी होता है। ये आपको फिगर में दिख रहा है, इट इज़ एक्टा प्योरीफायर सिस्टम। ये पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको कमांड्स देने होते हैं और सारा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है और एट लास्ट आपको जो आपके जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम की बात थी, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि हम इसे मैनुअली कैसे परफॉर्म करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी को हम मैनुअली किस तरीके से देखते हैं।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कोई भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसमें जो स्टेशनरी फेस है वो क्या ले रहे हैं और जो मोबाइल फेस है वो क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं, यहाँ पे स्टेशनरी फेस जो हम लेते हैं वो होता है सॉलिड, और जो मोबाइल फेस लेंगे वो हम लेते हैं लिक्विड। ओके, अब हम स्टेप वाइज देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की। प्रिपरेशन कैसे होती है, तो सबसे पहला स्टेप जो हम देखेंगे दैट इज सेलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेस। मतलब स्टेशनरी फेस हम किस बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं, कि स्टेशनरी फेस हमें जो भी लेना है किस बेसिस पे हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अभी इसके एग्जांपल आप देख रहे हैं दैट इज सिलिका और एल्यूमिना। अभी जो दो एग्जांपल्स हैं ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडसॉर्बेंट्स होते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ये हैं। अभी जो स्टेशनरी फेस का हम जो सेलेक्शन करते हैं ये हम करते हैं ऑन बेसिस ऑफ सैंपल, कि सैंपल को हम किस बेसिस पे प्योरीफाई करना चाहते हैं, या चार्ज के बेसिस पे या पोलैरिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारा स्टेशनरी फेस क्या होगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि किस तरीके से हम सेलेक्शन करते हैं स्टेशनरी फेस का। सेकेंड स्टेप पे आते हैं, सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, कॉलम पैकिंग। अभी जो कॉलम पैकिंग है इससे आप क्या समझते हैं, कॉलम पैकिंग का मतलब कि जो आपका कॉलम है उसको आप कैसे रेडी कर रहे हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए कॉलम को रेडी किस तरीके से करते हैं। तो चलिए जानते हैं कॉलम पैकिंग किस तरीके से होती है। ये एक कॉलम है, ठीक है, ये स्टॉपर लगा हुआ है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किस तरीके से कॉलम को रेडी करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कॉटन प्लग लगाते हैं। ये क्या है, कॉटन प्लग। ठीक है, अभी जो कॉटन प्लग होता है ये आपको एक पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट में ही लेना है। अगर आपने कॉटन प्लग जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लिया तो क्या होगा, जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे मूव ही नहीं कर पाएगा। या फिर अगर आपने इस कॉटन प्लग को बहुत कम अमाउंट में ले लिया तो क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन है वो जल्दी, बहुत जल्दी मूव करने लग जाएगा। इसलिए आप ये भी नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि एक कंट्रोल्ड मैनर में हम उसे कर सकें, कंट्रोल्ड मैनर में जो है हमारा सॉल्यूशन वो मूव करे। इसलिए हमेशा ही कॉटन प्लग हम एक पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट में ही लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कॉटन प्लग लेने के बाद हम यहाँ पे ये जो कर्वी पार्ट होता है कॉलम का, यहाँ पे हम लोड करते हैं, ये होता है सैंड। अब सैंड हम क्यों लोड करते हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि ये होता है इनर्ट, ये इनर्ट है, तो ये ना ही हमारे सिलिका के साथ और ना ही हमारे जो भी सैंपल सॉल्यूशन होगा, जो भी आपको एनालाइज करना है, ना उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम यहाँ पे सैंड यूज करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा जो स्टेशनरी फेस है उस स्टेशनरी फेस को हम यहाँ पे लोड कर देंगे। स्टेशनरी फेस हमने क्या लिया था, स्टेशनरी फेस था हमारा यहाँ पे सिलिका। अब सिलिका जो होता है वो होता है पाउडर्ड फॉर्म में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलिका का एक स्लरी फॉर्म प्रिपेयर करते हैं, और स्लरी फॉर्म प्रिपेयर करने के बाद फिर हम इसे इस कॉलम में यहाँ पे लोड कर देते हैं। अब स्टेशनरी फेस यहाँ पे लोड करने के बाद हम अपना जो सैंपल जो कि हमें एनालाइज करना है, जैसे जिसके कॉम्पोनेंट्स हमें सेपरेट आउट करने हैं, वो सैंपल हम यहाँ पे लोड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा लोडेड सैंपल। ओके, तो इस तरीके से हम कॉलम की पैकिंग करते हैं, कॉलम को हम इस तरीके से रेडी करते हैं। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। अच्छा, यहाँ पे जो आपने सैंड यूज़ किया था, इसका एक ये भी रीज़न होता है कि जो आपका स्टेशनरी फेस है वो यूनिफॉर्म रहे, उसकी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे इस सैंड को यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है, थर्ड स्टेप है हमारा सेलेक्शन ऑफ मोबाइल फेस। मतलब जो मोबाइल फेस है हम उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, किस बेसिस पे हम अपना मोबाइल फेस सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमेशा क्या होता है कि जो मोबाइल फेस होता है और स्टेशनरी फेस होता है,
ये दोनों हमेशा अपोजिट नेचर के होने चाहिए। अब वो क्यों होने चाहिए? सी, स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस शुड बी ऑफ अपोजिट नेचर। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेशनरी फेस जो था हमारा सिलिका लिया था हमने, ठीक है, सिलिका, और सिलिका हमारा है पोलर, ठीक है। तो जो हमारा मोबाइल फेस जो हम लेंगे अगर वो भी पोलर हुआ, अगर हमारा सिलिका भी पोलर है और मोबाइल फेस भी पोलर है तो क्या होगा, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर जो ये मूवमेंट है, जो सॉल्वेंट, जो हमारा कंपोनेंट जो मूव करेगा वो मूवमेंट बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक, जैसा हम नहीं चाहते हैं। इस वजह से हमेशा ही स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस का जो नेचर होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। अगर सिलिका हमारा पोलर है तो मोबाइल फेस हम ऐसा लेंगे जो कि लेस पोलर होगा ताकि ईजिली जो है वो ट्रैवल कर सके, मूवमेंट हो सके हमारे सॉल्यूशन का। ओके, तो हमारा मोबाइल फेस हमेशा जो है वो लेस पोलर ही लेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स अगर मैं लूँ जो कि लेस पोलर होते हैं सॉल्वेंट सॉल्यूशन, तो एग्जांपल हो जाता है, एक हम ले सकते हैं CCl4 या फिर हम ले सकते हैं एसिडिक एसिड। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि लेस पोलर सॉल्वेंट सॉल्यूशन के हैं। तो ये हमने देख लिया कि स्टेप वाइज मैनर में हम किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं अपने कॉलम की। सबसे पहले स्टेशनरी फेस सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉलम की पैकिंग करते हैं, फिर मोबाइल फेस सेलेक्ट करते हैं। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से आखिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी को हम परफॉर्म करते हैं। तो प्रोसीजर क्या है आखिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, किस तरीके से हम लैब में इसको मैनुअली परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये हमारा कॉलम है, यहाँ पे हमारा स्टेशनरी फेस है, मैंने आपको बताया था ये हमारा स्टेशनरी फेस है, और यहाँ पे हमारा लोडेड सैंपल, जो सैंपल आपको एनालाइज करना था, जिसके कंपोनेंट्स को आइसोलेट करना था, वो सैंपल आपने यहाँ पे लोड किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो भी मोबाइल फेस हमने लिया है उस मोबाइल फेस को हम इसके ऊपर लोड करेंगे, और जैसे ही मोबाइल फेस को हमने यहाँ पे लोड किया तो क्या होगा, ये जो सैंपल था अपना, सैंपल में कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो कि मोर पोलर होंगे, कुछ होंगे हाई पोलर, लेस पोलर, ठीक है। तो जो कंपोनेंट्स हमारे जो लेस पोलर हैं वो कंपोनेंट्स मोबाइल फेस के साथ साथ नीचे आने लग जाएंगे, ठीक है, मूव करने लग जाएंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारा सैंपल था, इसमें कोई ये कंपोनेंट ए है, ये कंपोनेंट बी है, तो ये जो बी कंपोनेंट है ये मोबाइल फेस के साथ साथ नीचे आने लग गया, सेपरेट आउट होने लग गया, ठीक। फिर हम यहाँ पे ये स्टॉपर दे रखा है, स्टॉपर से आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ देर बाद ये वाला जो अपना बी था, बी कंपोनेंट, वो यहाँ पे आ गया। फिर आपने क्या किया कि एक बीकर यहाँ पे लगाया और इस वाले कंपोनेंट को आपने यहाँ पे कलेक्ट आउट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट था उसको आपने यहाँ पे फिल्टर कर लिया है। तो जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट था ना उसको आप इल्यूएंट भी कहते हैं, और इस प्रोसेस को आप इल्यूशन कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन। अभी जो इल्यूशन होता है इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक होता है हमारा इल्यूशन, एक होता है आइसोक्रेटिक। आइसोक्रेटिक, आइसो के नाम से आपको पता चल रहा है कि सेम, इसका मतलब क्या है कि कंपोजिशन ऑफ मोबाइल फेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब जो हमारा मोबाइल फेस है उसका कंपोजिशन जो है वो सेम रह रहा है, मतलब कि आप पूरे थ्रू आउट द कॉलम आप एक सिंगल सॉल्वेंट सॉल्यूशन ही यूज कर रहे हैं, आप उसके कंसंट्रेशन को चेंज नहीं कर रहे या फिर कंपोजिशन को चेंज नहीं कर रहे। ये हो गया हमारा आइसोक्रेटिक इल्यूशन। अब दूसरा हम पढ़ते हैं ये क्या होता है, ग्रेडियंट इल्यूशन। अब ये ग्रेडियंट इल्यूशन क्या है, ऑल्टरिंग कंपोजिशन ऑफ मोबाइल फेस ड्यूरिंग कोर्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, मतलब कि आप मोबाइल फेस के कंपोजिशन को ऑल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। मान लीजिए कि आपने पहले लेस पोलर लिया और फिर आप हाईली पोलर ले रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप मोबाइल फेस के कंपोजिशन को चेंज करते रहते हैं दैट इज ग्रेडियंट इल्यूशन। तो ये हमने बात कर ली आज कॉलम क्रोमेटोग्राफी की, कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, उसका उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मैनुअली कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, लेट मी सी।
सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेस, मोबाइल फेस का हम सिलेक्शन करते हैं स्टेशनरी फेस के बेसिस पे। स्टेशनरी फेस जो होता है और हमारा जो मोबाइल फेस होता है, ये दोनों अपोजिट नेचर के होने चाहिए। आपने स्टेशनरी फेस लिया था सिलिका, सिलिका हमारा पोलर था, इसलिए आप जो मोबाइल फेस लेंगे वो लेस पोलर ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सिलिका पोलर है हमारा, ठीक, और मोबाइल फेस भी आपने अगर मोर पोलर ले लिया, तो इन दोनों के सेम नेचर की वजह से इनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और इस वजह से ये ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमेशा या फिर इनका मूवमेंट जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा, बहुत स्लो होगा। इसलिए हमेशा आप मोबाइल फेस जो है वो लेस पोलर लेते हैं, ताकि आपका मूवमेंट जो है वो ईजिली हो पाए। इसलिए हमेशा अपोजिट नेचर के होने चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस। तो स्टेशनरी फेस हमारा पोलर है, तो मोबाइल फेस आप लेस पोलर ही लेंगे। ये हो गया, और क्या डाउट्स हैं? इल्यूशन, व्हाट इज इल्यूशन? जो भी हमारे यहाँ पे जो रिक्वायर्ड, ये हमारा सैम्पल सॉल्यूशन था, इस सैम्पल सॉल्यूशन में कुछ कंपोनेंट्स थे ए और बी, तो इस कंपोनेंट को जो हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड कंपोनेंट को जो हमने फिल्टर किया है, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं इल्यूशन। और जो कंपोनेंट सेपरेट आउट हुआ है उसको हम कहते हैं इल्यूएंट। कॉलम वाली ट्यूब क्या प्रोसीजर या फिर पैकिंग? ग्रेडियंट दोबारा से, आइसोक्रेटिक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो मोबाइल फेस है उसके कॉम्पोजिशन को आप कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब पूरे कॉलम में आप एक ही सिंगल सॉल्वेंट सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। ग्रेडियंट में क्या हो जाता है कि आपका जो मोबाइल फेस है उसके कॉम्पोजिशन को आप चेंज करते जा रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं। अगर आपने मान लीजिए लेस पोलर लिया पहले और फिर हाईली पोलर ले रहे हैं, मतलब कि आप मोबाइल फेस का कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, दैट इज ग्रेडियंट इल्यूशन। अगर मोबाइल फेस का कॉम्पोजिशन सेम है तो वो हमारा आइसोक्रेटिक हो जाता है, अगर कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है मोबाइल फेस का तो वो हो जाता है हमारा ग्रेडियंट। डी यू बी एच यू सबके लिए हो जाएगी तैयारी, डोंट वरी फॉर दैट। पैकिंग क्या होता है? पैकिंग मतलब मैंने ये बताया था ना स्टार्टिंग में, पैकिंग का मतलब यह है कि आप कॉलम को कैसे रेडी कर रहे हैं। आप कॉलम इस तरीके से थोड़ी ना यूज कर सकते, पहले आपको कॉलम को तो रेडी करना होगा ना। कॉलम को पहले आपने कॉटन प्लग लगाया, सैंड यूज किया, फिर अपने स्टेशनरी फेस जो है वो यहाँ पे लोड किया, फिर आप अपना सैंपल लोड करें, इसी को आप कॉलम पैकिंग कहते हैं। और इसके बाद ही तो आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा ना। हाँ, मैसेज आ रहे हैं आपके, तो चलिए ये बात हो गई हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपके रिस्पॉन्स से पता लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। ए एंड बी दो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स, हाँ दो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं, एक इस कॉम्पोनेंट को हम सेपरेट आउट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है दो अलग कॉम्पोनेंट्स हैं। सॉल्वेंट सॉल्यूशन हमारा मोबाइल फेस होता है, दैट इज सॉल्वेंट सॉल्यूशन, आई टोल्ड यू दिस। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बेसिस पे, लेट्स सी कितना समझ आया आपको।
पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेस हेल्ड इन अ नैरो ट्यूब एंड मोबाइल फेस इज फॉर्म्ड थ्रू इट अंडर प्रेशर. प्लीज गिव मी आंसर्स. धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएं. प्लीज़ आंसर. हाँ, आपके आंसर आने लग गए हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. ए ही हमारा आंसर है इसका. ए कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ही हम क्या करते हैं कि हमारा कॉलम है और यहाँ पे हमारा स्टेशनरी फेस प्रेजेंट होता है और इस स्टेशनरी फेस के बाद हम मोबाइल फेस को यहाँ पे लोड करते हैं. तो आर करेक्ट आंसर इज ए. यू ऑल आर राइट. सो लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द मोबाइल फेस बी मेड ऑफ. मतलब मोबाइल फेस हमारा किस किस से बन सकता है. मोबाइल फेस कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. गिव मी आंसर्स ऑफ दिस. आज की क्लास में ही बताया गया है ये. मे बी डी. और आगे आंसर्स प्लीज. चैट आ रहा है, सबका आ रहा है. कुछ का आंसर आ रहा है बी, कुछ का ए. सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. ओके, तो मोबाइल फेस जो होता है हमारा, मोबाइल मतलब जो हमारा मूविंग फेस है, तो मोबाइल फेस कैन बी या तो हमारा लिक्विड हो सकता है या फिर हमारा हो सकता है गैस, क्योंकि ये इजिली मूव कर सकते हैं. बट इट कैन नॉट बी सॉलिड. और जो हमारा स्टेशनरी फेस होता है, इट कैन बी सॉलिड और लिक्विड, लेकिन वो गैस नहीं हो सकता. तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी. नाउ आर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेस इज मेड ऑफ डैश एंड मोबाइल फेस इज मेड अप ऑफ. गिव मी आंसर्स. आंसर प्लीज. सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. कोई ए बी, कोई डी. चलिए बताते हैं इसका. कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज जो हम यूज करते हैं, ये मैंने आपको थोड़ा सा स्लाइड्स पीछे करते हैं. कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस इज ऑलवेज सॉलिड और मोबाइल फेस जो हमेशा लेते हैं लिक्विड. जो स्टेशनरी फेस होता है हमारा वो सिलिका यूज करते हैं और मोबाइल फेस हमारा कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो गया, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस इज सॉलिड और जो मोबाइल फेस होता है वो होता है लिक्विड. तो करेक्ट आंसर है हमारा ए. आई होप आपको समझ आ गया हो. चलिए, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा पूरे लेक्चर में. आज हमने स्टार्ट किया अपने एनालिटिकल टेक्निक्स की. एनालिटिकल टेक्निक्स जो होती हैं वो हमें कौन कौन सी पढ़नी है, एक इंस्ट्रूमेंटल और कन्वेंशनल.
उनमें हमने ये देखा कि कौन कौन सी टेक्निक्स हमें मेनली अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। फिर हमने देखा कि सबसे पहले सेपरेशन टेक्निक लेकर हम चले, और सेपरेशन टेक्निक में हमने स्टार्ट किया क्रोमेटोग्राफी से। क्रोमेटोग्राफी को हमने जाना कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। फिर सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी टेक्निक स्टार्ट करी, दैट वॉज TLC। TLC को हमने अच्छे से जाना, उसका मतलब परफॉर्म प्रोसीजर क्या होता है, क्यों कैसे करते हैं, किस तरीके से RF वैल्यू निकालते हैं, उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। फिर उसके बाद हमने देखा कॉलम क्रोमेटोग्राफी को। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमने ये जाना कि वो कैसे हम उसे परफॉर्म करते हैं, क्या उस प्रोसीजर है, इल्यूशन क्या होता है, आइसोक्रेटिक ग्रेडियंट ये क्या होता है। तो आज हमने पूरे लेक्चर में बात करी है एक TLC की और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से स्टार्ट करने वाले हैं। सो टिल दैट थैंक यू, बाय बाय।